वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा डीपी सेकंड क्लास आपकी और इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ में हम पूरे चैप्टर लास्ट ही है यहां पर टॉपिक्स। इसमें क्या है, मीटिंग एंड कंपनी लॉ है। इसमें आपका कोरम है, मीटिंग से टाइम्स ऑफ मीटिंग से इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। क्या होती है एनुअल जनरल मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग रेफर्स टू द मीटिंग व्हिच इज हेल्ड एनुअली बाय द कंपनीज। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी टू गिव बाय शेयर्स फॉर डायरेक्टली टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग वंस अ ईयर। ठीक है, देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ्स बिटवीन टू जनरल between two annual general meetings। ठीक है, means क्या है इसमें, क्या है कि आपकी चाहे वो कैसी भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या नहीं है, उसे साल में एनुअल जनरल मीटिंग इनवाइट करना जरूरी होता है। प्लस जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग से दो एनुअल जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, an exception is given when a company is incorporated. In such a case, the company may not conduct an annual general meeting in the year at all. After incorporation, the company needs to conduct an annual general meeting within 18 months. Okay? Next, we have the Audit Section 166 of the Companies Act. The first meeting after incorporation of the company must be held within 18 months, subject to the exception of incorporation. There should be a gap of more than 15 months between two annual general meeting. ठीक है, means क्या है कि छठी कंपनी incorporate हुई है, नई कंपनी आई है, तो incorporation की date से 18 महीने के अंदर उसे annual general meeting बुलानी होती है। केवल इस केस में आपका 15 महीने वाली condition है हमारी, उसे आप bypass कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपकी annual general meeting। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है, द मैटर्स व्हिच कंस्टिट्यूट टू बी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी डिस्कस इन अ स्पेशल मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, टू डिस्कस द मैटर्स अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेसेस दैट इज स्पेशल बिजनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड फॉर एनी मीटिंग व्हिच इज कॉल्ड अपार्ट फ्रॉम स्पेशल मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई जो नेसेसरी वर्क है उसके लिए हमें पार्टीज को एक साथ बैठाना है, प्लस हमें मीटिंग करनी है और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जैसे बिजनेस एक्सपेंशन का या कोई नया प्रोडक्ट हमें हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस करना है विद द कंसल्टेशन ऑफ आवर इन्वेस्टर, उस केस में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसको हो गया आपका सेक्शन 186। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 ऑफ द कंपनी से कंपनी लॉ बोर्ड है ऐसा पावर टू कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो कंपनी लॉ बोर्ड है उसे पावर होती है इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की, बट नॉट एन एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर empowered to convene a meeting within 3 months if it is not convened within 20 days of the application by the company board। ठीक है, ये तो होती है आपकी extraordinary meeting। next आता है आपका power to call board meeting। ठीक है, power to call board meeting means the secretary or the director of a company has the power to call board meeting। ठीक है, कौन से कंपनी का सेक्रेटरी या कंपनी का डायरेक्टर का पावर होती है किसे बोर्ड की मीटिंग बुलाने की। ठीक है, ना बोर्ड मीटिंग में भी कॉल्ड बाय द सेक्रेटरी और अ डायरेक्टर बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर व्हिच इज लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। किस प्रोसीजर के अंदर, जो आपका प्रोसीजर है कंपनीज एक्ट का 2013 का, उस प्रोसीजर में जो चीजें मेंशन कर रखी हैं उन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद ही जाना बुलाएगा कंपनी के डायरेक्टर या सेक्रेटरी आपका बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। ठीक है, द मीटिंग कैन बी कॉल्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर
and the director then refused to convene a board meeting, and then on such occasion the manager, secretary or any director can summon a board meeting. Okay? In case of Sanjeev Kothari versus Vasant Kumar, it is observed that if a meeting is convened by the managing director or requisitioned by the director on the same day at the resident office to discuss the same matter which was brought forward by the director, then the director must attend that meeting and should not arrange any other meeting for the same day at the school at the same place. Okay? Next, what are the procedure of meeting? Procedure of meeting mein kya aata? It is the responsibility of the director of the company to ensure that the procedure followed for conducting the meetings of the company is valid and in accordance with the company's act. ठीक है? क्या है? वो director है, उसकी responsibility है कि जब भी वो company की meeting बुलाएगा, meeting एक very formal होनी चाहिए और किसके according होनी चाहिए? Company's act की जो conditions है, उन्हें follow करती हुई वो होनी चाहिए. ठीक है? The decision that are taken in the meeting should be according to the section of the Companies Act. It is the duty of director to ensure that the member of the meeting are notified of the details of the meeting, like the place, time and date of the meeting. ठीक है? बहुत ही सिंपल है, मैं इसे एक बार रीड कर लेना, जैसे तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट आता है आपके नोटिस. कि नोटिस क्या होता है? नोटिस के बारे में बात करते हैं. The notice of a meeting is served to all the members of the meeting to discuss the business of the meeting. ठीक है, नोटिस क्या होता है? जितनी भी हमारे बिजनेस जितनी मीटिंग के पार्ट हैं, उन सारे मेंबर्स को एक नोटिस सर्व किया जाता है. उस नोटिस में क्या होता है कि किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट के लिए हमने मीटिंग बुलाई है. ठीक है, अब नोटिस इज टू बी सर्व टू द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग इन अ मैनर व्हिच इज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट. ठीक है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए जो नोटिस की कंडीशंस है उस केस में नोटिस इशू करेंगे कंपनी किसे? अपने जितने भी मेंबर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग मस्ट आल्सो बी सर्व टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड एनी सच मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ द मीटिंग डाइस. ठीक है, मतलब सबको जाएगी जितने वाली पार्टी है, डायरेक्टर है, ऑडिटर है या कोई मेंबर है वो मर गया तो उसने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में अटेंड करना उस मीटिंग को अटेंड करना कंपलसरी होगा. ठीक है, इफ ही और शी रिसीव द नोटिस. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट ऑफ नोटिस. कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या होगा कि नोटिस में क्या क्या चीजें हमारी होंगी. प्लेस वेयर द मीटिंग विल बी कंडक्टेड. सेकंड आता है आपका डेट, डेट एंड टाइम ऑफ दिस मीटिंग विल बी कंडक्टेड. थर्ड आता है बिजनेस व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग. नेक्स्ट आता है आपका ब्रीफ ऑन बिजनेस. नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व. नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर ऑफ द कन्वेयर ऑफ द मीटिंग. नेक्स्ट आता है आपका कोरम. ठीक है, कोरम क्या होता है? उसके लिए सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट लेज डाउन द कोरम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग. कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बाय व्हिच द कंपनी द डायरेक्टर कैन स्टार्ट अ मीटिंग. ठीक है, मतलब किसी भी मीटिंग को किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कम से कम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी में और. ठीक है, द कोरम रिक्वायर्स फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 174 ऑफ द कंपनीज एक्ट. 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द मीटिंग कंस्टिट्यूट द कोरम फॉर द मीटिंग. ठीक है, जितने मेंबर्स हैं कम से कम उनके एक तिहाई मीटिंग के लिए अवेलेबल होने चाहिए तभी मीटिंग होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 174(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट इट इज पॉसिबल फॉर अ डायरेक्टर टू अटेंड अ मीटिंग थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल. अ डायरेक्टर अटेंडिंग अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस विल आल्सो बी कंसीडर्ड अ फाइल काउंटिंग फॉर अ कोरम. ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका चेयरमैन. अ मीटिंग इज चेयर्ड बाय द चेयरमैन. द चेयरमैन इज आल्सो नोन एज द चेयरमैन एंड इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. ठीक है, मेन आपको क्या होगा? चेयरमैन ही होंगे. अब आप आते हैं आपकी वोटिंग राइट्स की कि क्या क्या वोटिंग राइट्स होते हैं, किस तरीके से वोटिंग होती है. इन केस देयर इज अ मैटर व्हिच नीड टू बी डिसाइडेड ऑन इन द मीटिंग इट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ द मेंबर्स
मेंबर्स होंगे मीटिंग में, जितने मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और कितने मेंबर्स उसके पक्ष में हैं और कितने मेंबर्स उसके विरोध में, ठीक है, इन फेवर और अपोजिशन। तो उसे मना करने के लिए क्या करेंगे हम, वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 एवरी मेंबर हु इज ड्यूटी बाय कंपनी शेयर एंड होल्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल विल हैव द राइट टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन व्हिच लाइज बिफोर द कंपनी, ठीक है। मींस क्या है के सेक्शन 52 में क्या कह रहा है, जो कंपनी है अगर कंपनी का कोई इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, तो वो क्या है कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के लिए वोटिंग राइट उसके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। सेक्शन 188(1) स्टेट्स दैट द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट शेयर हैव वोटिंग राइट्स ऑन ऑल इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हैड बाय हिम टू द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वोटिंग राइट में मिलता है। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है, पोस्टल बैलेट का अपना नाम चलाओ, जब भी हमारे चुनाव होते हैं तो अभी जैसे बिहार में चुनाव है तो वहां पे आपने जब भी टीवी में कभी डिस्कशन की बात होगी या कभी भी आपने जैसे काउंटिंग स्टार्ट होती है चुनाव के बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है तो आपने जो डिस्कशन होता है सबसे पहले आपने देखा होगा कि पोस्टल बैलेट खोलते हैं, ठीक है। पोस्टल बैलेट मीन्स कि कोई पर्सन यहाँ का वो आ रहा है तो अपने जो वोटिंग राइट का इस्तेमाल किससे कर सकता है, पोस्टल बैलेट से वो कर सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 110 ऑफ अ कंपनीज एक्ट, अ पोस्टल बैलेट इज अ मेथड ऑफ वोटिंग व्हिच इज यूज्ड बाय अ मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट टू वोट, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो फिजिकली वोट देने के लिए नहीं आ सका है तो वो किससे वोट दे सकता है, आपका पोस्टल बैलेट यूज करके अपना वोट दे सकता है मीटिंग के अंदर। इन सच सर्कमस्टेंसेस द मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट कैन सेंड हिज वोट बाय पोस्टिंग इट। पोस्टल बैलेट रेफर्स टू द मेथड ऑफ वोटिंग बाय पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, वो पोस्ट से अपना पोस्टल बैलेट भेजेगा और जो आपका पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर है वो पोस्ट से ही होता, ठीक है। दिस मेथड एनेबल्स मेंबर्स टू वोट हु अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन एबल टू बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एब्सेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पोस्टल बैलेट कैन बी यूज्ड फॉर वोटिंग इन मीटिंग एक्सेप्ट फॉर व्हेन द पोल इज फॉर डिसाइडिंग हेल्थ और फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस और इन केस देयर आर बिजनेसेस व्हिच इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेंड एंड हियर डायरेक्शन फॉर ऑडिटर्स इन द मीटिंग, ठीक है। एक बार बढ़िया ना, जो मैंने आपको बताया है वही चीज है रेजोल्यूशन ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके इलेक्ट्रॉनिक वोट, जैसे ईवीएम्स वगैरह हमारे यहाँ हुई, इस केस में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोट पर पे वोटिंग फॉर अ रेजोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इज नोन एज कास्टिंग वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक वोट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है। जो हमारे ईवीएम वगैरह बटन दबा के हम वोट डाल रहे हैं। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वोट इंक्लूड्स वोटिंग बाय पंच कार्ड्स ऑप्टिकल स्कैन वोटिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड वोटिंग कियोस्क टेलीफोन्स प्राइवेट कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एक्सेट्रा, ठीक है। सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कोड ऑफ वोटिंग अ कंपनी लिस्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग 1000 और मोर शेयरहोल्डर्स शुड प्रोवाइड to its member the facility of casting vote to electronic board. Sorry. Electronic board क्या हो रहा है कि अगर section 108 of the Companies Act 2013 कह रहा है कि जो भी जो company अपने members को electronic voting act की जो फैसिलिटी वो अवेलेबल करवाना चाहती है वो उस केस में जो उसके पास शेयर होल्डर्स हैं जो वोटर जो वोटिंग का राइट रखते हैं वो 1000 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। वही कंपनी क्या कर पाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोट प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन मीटिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो वहां मीटिंग में गवर्नमेंट
इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी की मेंबर है, कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, तो क्या है कि गवर्नमेंट एक आदमी को ऑथराइज करेगी कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस कंपनी की मीटिंग में जाके उस मीटिंग को अटेंड करे और उसमें देखे कि क्या नई चीज को लेके आ रहे हैं, किस लिए वो मीटिंग बुलाई, ठीक है। तो ये एचआर का काम है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। फर्स्ट आता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? Refers to the resolution that can be passed by a simple majority. It can be used for all kinds of matters unless there is a need for a special resolution. ठीक है, अगर कोई special resolution की need नहीं है, ordinary कोई भी काम हो रहा है normal way में, तो उस केस में क्या होता है, आपका ordinary resolution आता है। अपने अपने प्रस्ताव का प्रस्ताव में जिस चीज पर पक्ष में वोट डाले तो पक्ष में वोट डाले, जिसमें विपक्ष में डाले थे उसमें विपक्ष में वोट डाला, और जिसके अगर जिस में ज्यादा नंबर ऑफ वोटिंग हुई है कोई चीज मानी, ठीक है, उसके लिए एग्री। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? द रेजोल्यूशन व्हिच हैव बीन टू बी पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एट लीस्ट 75% ऑफ द टोटल वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब जितने हमारे पास वोटर है उनमें से 75% उस काम के लिए हां करें, उस केस में ही स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन 75% ऑफ द नीड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी सबमिशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, वो सब क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपकी मिनट्स। मिनट्स क्या होती है? द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन व्हिच ऑल द पॉइंट्स, डिस्कशंस, डिसीजंस व्हिच वर टेकन इन द मीटिंग आर रिकॉर्डेड, ठीक। जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुए, क्या क्या बातें हुई है, today's class. So thank you students.